खबर ये आई है कि आज दोपहर बाद ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। उसके लिए तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं गांव में? जी मैं बताना चाहूंगा, जैसा कि प्रशासन ने हमें बताया कि थाना गाजी के डेरा में लगभग 1:30 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर से शहीद संदीप यादव की पार्थिव देह को लाया जाएगा। लेकिन अभी हमारे बीके वैष्णव, हमारे जो सैन्य अधिकारी हैं, उनसे भी बात हुई, कमांडेंट है उनसे बात हुई, लेकिन वो कोशिश ये कर रहे हैं कि थाना गाजी की बजाय वो नजदीक के एक रामपुरा गांव में वहां पर हेलीपैड उतारा जाए, जो यहां से लगभग सिर्फ 4 किलोमीटर है। जो थाना गाजी पे हेलीपैड बनाया गया है वो लगभग यहां से 50 किलोमीटर दूर होने की वजह से शायद अभी स्थान भी बदलने की संभावना बताई जा रही है। ऐसे में नजदीक होने की वजह से ये सारी सुविधाओं को देखते हुए प्रशासन अभी इस में भी लगा हुआ है कि हेलीपैड यहाँ नजदीक के ही स्थान पर बनाया जाए, ताकि पार्थिव देह समय पर गांव पहुंचे और अंतिम संस्कार किया जा सके। अभी जो गांव की स्थिति की हम बात करें, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ ग्रामीण और परिजन घर पर अपने संदीप यादव, अपने लाडले के पार्थिव देह का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ अंतिम संस्कार किया जाना है। यहाँ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सूचना प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल होंगे। ऐसी स्थिति में अभी हम आप देखेंगे, मेरे साथ में यहाँ बहुत सारे ग्रामीण हैं, ये हमारे साथ सज्जन हैं जिन्होंने संदीप को अपना पाला है, आपने एक तरीके से आपके दोस्त थे उनके पिता, तो कैसा संदीप का नेचर था उस समय, बचपन से आपने संदीप को देखा? संदीप के पिताजी और उनके ताऊजी मेरे साथ पढ़े हुए हैं जी। और जब दर्शन निकलते थे तो मेरे पहले शादी हुई थी, संदीप बिल्कुल शर्मिला था, लेकिन वो खिलाड़ी होने के तहत स्पोर्ट्समैन था, मेरा खुद का गोदी खिलाया हुआ है, और खिलाड़ी होने के साथ में एक जज्बा था, वो राष्ट्र ज्ञान भी कभी होता था तो सावधान खड़ा रहता था जी। और उसकी तमन्ना थी मैं किसी दिन आर्मी में जाऊं और आर्मी जाके देश के लिए काम करूं, और भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की। लेकिन दुख ये है कि वो शहीद हो गए, लेकिन उसके साथ हम सबको गर्व है कि हमारा खुद का बच्चा शहीद हुआ है और देश के काम आए, भारत माता के काम आया, इससे बड़ा हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं। बहुत बड़ी बात है, परिजनों का जो कहना है, इनका ये कहना है, वो शुरू से ही ऐसे ही जज्बात रखता था, वो संदीप का एक नेचर था, देश के प्रति उसकी एक जज्बा था कि देश के प्रति कुछ करने की उसमें ललक थी, और वो सेना में भर्ती भी शायद इसीलिए हुआ था। ये उनके साथी हैं जो उनके साथ पढ़ते थे, कि कैसा लगता था उस समय जब संदीप का नेचर कैसा था उस समय, पढ़ाई के दौरान की बात करें? संदीप शुरू से पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उसको आर्मी में जाना उसकी शुरू से तमन्ना थी, और वो देश के लिए और देश सेवा के लिए शुरू से ही उसमें जज्बा था, और आज वो शहीद हुआ है, हमारे लिए गर्व की बात है। आज ग्रामीण है जो दोस्त हैं, परिजन हैं, उनका ये कहना है संदीप यादव के शहीद होने पर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है। ऐसे में उनके परिवजन भी हैं, ताऊ जी हैं आप उनके, संदीप के कितने बच्चे हैं? संदीप के 2 बच्चे छोटे होंगे। हाँ छोटे। तो आखिरी बार यहाँ कब आया था संदीप? और देश सेवा के लिए शुरू से ही उसमें जज्बा था, और आज वो शहीद हुआ है, हमारे लिए गर्व की बात है। आज ग्रामीण है जो दोस्त हैं, परिजन हैं, उनका ये कहना है संदीप यादव के शहीद होने पर उन्हें गर्व की अनुभूति हो रही है, देश के लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, अपनी धरती माँ की रक्षा के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी दी है। ऐसे में उनके परिवजन भी हैं, ताऊ जी हैं आप उनके, संदीप के कितने बच्चे हैं? संदीप के 2 बच्चे छोटे होंगे। हाँ छोटे। तो आखिरी बार यहाँ कब आया था संदीप? संदीप 2-2.5 महीने पहले आया। कोई परिवार में शादी वगैरह थी? कैसे आया था? कैसे आया था 2 महीने पहले लगभग यहाँ? आया था छुट्टियों में आया था। हाँ। तो अभी आखिरी बार क्या बात कह के गया? आखिरी बात ये कर गया था कि मैं मेरा वह हो गया ट्रांसफर जी, दूसरी जगह जाऊंगा जी। हम आपको बता दें वो अमरनाथ यात्रा के दौरान उसकी ड्यूटी लगी हुई थी, अमरनाथ यात्रा के दौरान उसकी वहां गोली लगने से मौत हुई है, और उसकी सूचना कल दोपहर को यहां आ गई थी। उसके बाद में परिवार में जो मातम का माहौल है, अगर घर के अंदर हम जाते हैं तो हमें भी वो माहौल नहीं देखा जाता, महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल है। अगर उसकी पत्नी की बात करें, मनीषा की बात करें, तो वो बार बार रोती है, बेहोश हो जाती है, फिर उठती है और फिर रोने बैठ जाती है। यही हाल उसकी माँ के हैं, वो रो रो कर सिर्फ अपने बेटे अपने लाल को याद करती है, कोई मेरे संदीप को ला दे, कोई मेरे संदीप को ला दे। आपके साथ पड़े हुए हैं संदीप, क्या कैसा लगता है आज संदीप आपके बीच में नहीं है? बहुत एक बड़ी दुखद घटना है। हाँ जी हाँ, संदीप बहुत ही सीधा था, सबसे मिलकर चलता था, और जिस टाइम वो लगा था तो यहाँ पे लगने वाला गवर्नमेंट नौकरी में पहला आदमी था, और हाजीपुर में आज शहीद होने वाला पहला आदमी, तो बहुत गर्व की बात है।
आज सभी को एक गर्व महसूस हो रहा है, बांसुर के हम खड़े हैं, गुर्जर वाली ढाणी इसको कहा जाता है, जहां का लाल शहीद हुआ है संदीप यादव, जो सीआरपीएफ में कांस्टेबल में भर्ती था और उसने अपने प्राण न्यौछावर की है। अगर हम यहाँ की बात करें तो उसके शहीद के जो पार्थिव देह की बात करें, वो लगभग 1:30 बजे तक यहाँ पहुंचने की बात बताई जा रही है। उसके बाद देखना होगा कि अंतिम संस्कार के लिए जो तैयारियों की बात करें, यहाँ घर के पास ही उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसमें राजकीय सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ में सलामी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से रवाना करके पास में जो खेत है, जहाँ शमशान घाट जिसे कहा जाता है, वहाँ उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अभी यहाँ ग्रामीणों की लगातार भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है, क्योंकि पार्थिव देह आने में अभी बहुत समय है, लगभग 1 से 1.5 घंटा यहाँ आने में लग सकता है, तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका लाडला उनके गांव पहुंचेगा, क्योंकि यह एक आखिरी समय होगा जब ये लोग अपने संदीप यादव, अपने लाडले, अपने पुत्र के दर्शन कर पाएंगे। बिल्कुल, और उसी के लिए सबको इंतजार वहां पे हो रहा है कि जल्द ही उनके पार्थिव देह वहां पहुंचे, और खबर के मुताबिक 1:30 बजे के बाद उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। शुक्रिया अपडेट के लिए जुगल। उधर अलवर के भिवाड़ी में एक गाड़ी के नाले में गिरने से